TDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. शहर में एक ही दिन नाबालिग लड़कियों के साथ गलत हरकतें किए जाने के दो मामले जरीपटका थाना क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। एक मामले में जहां अपने ही घर की छत पर खेल रही बच्ची के साथ एक 30 वर्षीय आरोपी ने गलत हरकत की, तो दूसरी ओर एक 50 वर्षीय आरोपी ने दो नाबालिग बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। इन दोनों ही मामलों से फिर एक बार शहर में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पहला मामला जरीपटका क्षेत्र के इंदौरा स्थित विद्या नगर का है, जहां एक नाबालिग लड़की अपने ही घर की छत पर लेजिम खेल रही थी। उसी वक्त बच्ची को अकेला देख आरोपी 30 वर्षीय संदीप पांडुरंगा साखरे अपनी छत से बच्ची के घर की छत पर पहुंचा और बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी को ऐसा करते दूसरी छत पर कपड़े डाल रही एक महिला ने देखा तो आरोपी को रोका और महिला और आरोपी में विवाद छिड़ गया, जिसके बाद आरोपी ने महिला को धमकी दी कि अगर वे इस संबंध में किसी को भी जानकारी देती है तो वे महिला को देख लेगा। जिसके बाद भी महिला ने यह वारदात बच्ची के माता पिता को बताई, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने मामले की शिकायत जरीपटका थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की कुछ दिन बाद शादी भी होने वाली है। बरोबर आहे, पुलिस जरीपटका हद्दीमध्ये दोन घटना घडलेली आहे। एका घटनेमध्ये दोन मुली गच्चीवर लेझिम खेळत होते, तिथे एक आरोपी आला आणि त्यांनी त्यांच्यासोबत दुर्व्यवहार केलेला आहे। दुसऱ्या घटनेमध्ये दोन मुली ई रिक्षामध्ये आपसात खेळत होते, तर आरोपीने येऊन त्यांच्यासोबत दुर्व्यवहार केलेला आहे आणि त्या गुन्ह्यातला आरोपी अरेस्ट त्याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि सध्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे, दुसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे। ज्या गुन्ह्यामध्ये ई रिक्षामध्ये दोन मुली खेळत होते त्या गुन्ह्यातल्या आरोपीचं नाव आहे संगदीप पांडुरंग साखरे, वय वर्ष 30, राहणार इंदोरा नागपूर, त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। दुसऱ्या गुन्ह्यातला आरोपीचा शोध सुरू आहे, इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे। वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात नाही, काही रेकॉर्ड नाही आहे, तो काम करणारा एक्झिक्युटिव्ह आहे एका छोटी मोठी कंपनीमध्ये। वहीं दूसरा मामला आपको और भी हैरान कर देगा, क्योंकि यहां एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने दो बच्चियों के साथ गलत हरकत कर दी। जानकारी के मुताबिक जरीपटका क्षेत्र के कुशीनगर बौद्ध विहार के पास ई रिक्शा में दो नाबालिग युवतियां बैठकर खेल रही थी, तभी आरोपी दोनों युवतियों को देखकर ई रिक्शा में चढ़ा और नाबालिगों के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया। नाबालिगों द्वारा इसकी शिकायत अपने माता पिता से किए जाने के बाद यह मामला उजागर हुआ, पर आरोपी भाग खड़ा निकला। मामले की शिकायत दर्ज कर जरीपटका पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सर अंसारी, BCN न्यूज, नागपुर। What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call